हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लीलावती अपने पड़ोसन कंचन के घर बैठी बात कर रही थी, तभी बातों बातों में वो अपनी चाय के साथ साथ उसकी चाय और साथ में पड़ा नाश्ता भी गपागप खा जाती है और थोड़े पड़े बिस्किट अपने पल्लू में बांधकर कहती है, अरे घूर मत, ये बिस्किट मेरे झूठे हो गए हैं, इसलिए ले जा रही हूँ, अब घर जाकर ही खाऊंगी। तू ना लालची के लालची ही रहेगी लीलावती। अरे ये चंद से बिस्किट लेने में क्या लालची हो जाऊंगी। अच्छा ये बता, तेरा बेटा दूसरे शहर से क्या लाया है तेरे लिए? एक बनारसी साड़ी लाया है बस। अरे जब मेरा रमन विदेश से लौटेगा ना, तो वो मेरे लिए साड़ी, विदेशी चॉकलेट, खुशबू वाला साबुन और भी बहुत कुछ लाएगा। तू देखेगी ना तो देखती ही रह जाएगी। अभी बेटा लौटा नहीं है और तू अभी से ये लाएगा वो लाएगा सोच सोच कर ख्याली पुलाव बना रही है। अरे उसके लौटने में दिन ही कितने रह गए हैं, और जब वो आएगा ना तो तू खुद देख लियो कि मेरे ख्याली पुलाव कैसे सच के पुलाव बनते हैं। वो बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसे अपने बेटे रमन की आवाज़ आती है, तो लीलावती और कंचन दोनों घर के बाहर आती हैं, तो देखती हैं कि उसका बेटा रमन अपना सूटकेस लिए बाहर खड़ा होता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, माँ माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर इतनी जल्दी कैसे? क्यों माँ, आपको मेरे आने से खुशी नहीं है क्या? अरे मेरे लाल कैसी बातें करता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, जो जो कहा था वो सामान लाया है ना तू? आई ला, कहा माँ, इतनी जल्दी जल्दी आया हूँ, लाना तो दूर, मैं तो खरीदना ही भूल गया। ले लीलावती और बना ले ख्याली पुलाव। नास पीटे, सामान नहीं लाया तू तो क्यों आया है? कुछ तो ले आता अपनी माँ के लिए। हाय दैया, कैसी माँ है तू, सामान के लालच में इतने सालों बाद लौटे बेटे को सुना रही है। जा उसे चाय पानी पूछ और आराम करने दे। हाँ हाँ अभी तुम मुझे मत सिखा, और तू क्या खड़ा है, चल अपना बक्सा लेकर अंदर। इतना कहकर वो गुस्से में घर चली जाती है और रमन भी अपना सूटकेस लिए अंदर चला जाता है। लीलावती का मिजाज थोड़ा लालची था, वो फ्री की चीजों, दूसरे से मिले उपहारों के लिए बड़ी लालची रहा करती थी। साथ ही वो चीजों के होने से पहले ही उसके बारे में ख्याली पुलाव पकाना चालू कर देती थी। एक रोज वो अपने बेटे को उसके रिश्ते के लिए कुछ लड़कियों की फोटो दिखाते हुए कहती है, देख ये लड़की बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, ये बहू बनकर घर में आएगी ना तो तू नोटों की गड्डी में खेलेगा। ये लंबे बाल वाली तो है, सरकारी नौकरी वाली है, थोड़े बहुत नखरे झेलने पड़ेंगे इसके, लेकिन अपनी खूब ठाट रहेगी। और ये आइला बस करो माँ, मैंने लड़की देखी नहीं और शादी हुई नहीं, और आप हो कि ख्याली पको पकड़ने बैठी हो। अरे तूने नहीं देखी पर मैंने देखी है ना, भरोसा रख अपनी माँ पर। माँ आप पे तो भरोसा कर लूँ, लेकिन आपके इस लालच पे भरोसा कैसे करूँ मैं? आप रहने दो, मुझे जब शादी करनी होगी ना मैं बता दूंगा आपको, अभी जाने दो। अरे अरे जाता कहाँ है, सुन तो। लीलावती अपने बेटे की बात को ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए लड़कियों के परिवार से बातचीत करना शुरू कर देती है। एक रोज रिश्ते वाले उसके घर आए ही होते हैं कि तभी उसका बेटा अपनी पसंद की लड़की अंकिता से कोर्ट मैरिज करके घर आ जाता है। माँ मैंने शादी कर ली, ये देखो इसका नाम अंकिता है, ये आपकी बहू है। ये क्या बकवास कर रहा है तू नालायक। लीलावती जी, जब आपका बेटा किसी और को पसंद करता है तो आपने हमें रिश्ते के लिए घर क्यों बुलाया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे बात करती हूँ ना, आप बैठिए। अब बैठकर फायदा भी क्या है, हम अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से थोड़ी ना करवाएंगे। चलिए जी। अरे अरे आप सुनिए तो सही। लड़की वाले लीलावती की एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं, और लीलावती गुस्से में अपने बेटे को घूरते हुए कहती है, पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे में, अपनी माँ को लोगों के सामने शर्मिंदा करके, मेरे तो सारे अरमानों पर तूने पानी ही फेर दिया नालायक। सासू माँ, ये अपने बेटे को कोसने का नहीं अपनी बहू के स्वागत करने का समय है, हमें आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर अंकिता उसके पैर छूने के लिए नीचे झुकती है, तो लीलावती उसका व्यवहार देखकर मन में सोचती है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन लड़की संस्कारी जान पड़ती है, अब शादी हो ही गई है तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका व्यवहार तो मेरे प्रति अच्छा ही रहेगा। इतना सोचकर लीलावती आशीर्वाद दे देती है। समय बीतता है, अंकिता अपनी बहू होने की जिम्मेदारियां निभाती है और धीरे धीरे उसे अपनी सास के लालचीपन और ख्याली पुलाव बनाने के बारे में भी पता चल जाता है। दिवाली के बाद अंकिता भाई दूज के लिए अपने मायके जाने की पैकिंग कर रही होती है,
तभी उसकी सास उसके कमरे में आकर कहती है, बहू हो गई तैयारी? हाँ बस हो गई। सासू माँ, आप कुछ कहने आई थी क्या? नहीं, बस यही कह रही थी कि जल्दी आ जाइए और संदन जी से कहना मेरे लिए ज्यादा तोहफे ना भेजे। हाँ बस एक आधा साड़ी कुछ तो ठीक, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ ये तोहफों के लिए मना कर रही हैं या मांग रही हैं, समझ नहीं आ रहा। सासू माँ आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर कहिए ना। अरे बहू, तू खुद ही इतनी समझदार है, भला मैं और क्या ही कहूँ, बस मेरी बातों को ध्यान में रखियो। हाँ इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अंकिता अपने मायके जाने के लिए रमन के साथ निकल जाती है और ठीक एक हफ्ते बाद घर आने वाली होती है। उसके वापस आने की खुशी में लीलावती बढ़िया खाना बनाना शुरू करती है और खाना बनाते हुए कहती है, चलो शादी में तो एक फूटी कौड़ी नहीं सही, लेकिन अब तो बहू मायके से तोहफे लेकर ही आएगी। वैसे क्या क्या लेकर आएगी? शायद 5-6 साड़ियाँ, महंगे फल और शगुन के तौर पर 7-8 हज़ार रुपए तो दे ही देंगे उसके मायके वाले। हाँ इतना सामान तो होगा ही, शायद उसे ज्यादा भी हो सकता है। लीलावती खाना तो बना ही रही थी, साथ ही साथ दिमाग में ख्याली पुलाव भी बना रही थी। करीब 12 बजे उसकी बहू मायके से लौटती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद लालची लीलावती खाना लेकर उसके कमरे में पहुँचती है। अरे बहू, ला सामान मैं रख देती हूँ, तू पहले खाना खा ले, तेरी मनपसंद की दाल बनाई है। सासू माँ आप कितनी अच्छी हैं, वैसे माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। ये सुनते ही लीलावती की आंखें चमक जाती हैं। तभी अंकिता एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और अपनी सास को थमा देती है। लीलावती उसे खोलती है तो उसमें कान्हा जी का एक लॉकेट होता है, जिसे देखकर लीलावती कहती है, ये भेजा है समदन जी ने? हाँ सासू माँ, मैंने तो कितना मना किया लेकिन उन्होंने जबरदस्ती रख दिया, लेकिन मैंने बाकी की चीजों को नहीं लिया। आप ही तो कहती है ना अच्छा नहीं लगता इसलिए। अरे मैंने तो सोचा था कि क्या सासू माँ? इसको बताया कि मैं क्या क्या सोचकर बैठी थी तो ये मुझे ही लालची समझेगी, कुछ नहीं। हाँ लगता है मेरी लालची सास के सारे ख्याली पुलाव पक कर गल भी गए। सासू माँ कहाँ जा रही हो, खाना तो रख कर जाओ। अब मुझे भूख लग रही है तो ये खाना मैं ही खाऊंगी, तू अपने लिए खुद बना ले। इतना कह कर वो चली जाती है। एक रोज वो हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी रमन वहाँ आकर कहता है, क्या देख रही हो माँ? इन छोटे बच्चों को ही देख रही हूँ, जब तेरे बच्चे होंगे ना तो उन्हें भी मैं ऐसे ही खिलाऊंगी, उन्हें लाड करूंगी, अपने पास सुलाऊंगी, कहानियाँ सुनाऊंगी और उनके नाम भी रखूंगी। बस बस माँ। हाँ हाँ पता है क्या कहेगा माँ, ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ, हम अभी बच्चे चाहते ही नहीं है, है ना? ऐसा किसने कहा सासू माँ? माना मेरी सास के दिमाग में हमेशा ख्याली पुलाव पकते हैं, लेकिन इस बार ये आपके ख्याली पुलाव 1 साल के अंत तक सच हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ सासू माँ। आपको याद है मैं 1 हफ्ते पहले डॉक्टर के क्लिनिक गई थी, वहाँ से रिपोर्ट्स आने के बाद मुझे एक खुशखबरी कल ही मिली। ये खबर सुनकर रमन और लीलावती दोनों ही उछल पड़ते हैं और लीलावती अपनी बहू को गले लगा लेती है। मालती अपने कमरे के बेड पर रखे हुए ढेर सारे गहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में अपने पति सुनील को गले लगाकर उससे कहती है, इतने सारे गहने, वो भी मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए हैं ये सारे गहने, रुको मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना देता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है और मालती जल्दी से खुद को शीशे में देखकर अपने पति से बोलती है, आप इस दुनिया के बेस्ट पति हैं और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे। सुनील उसे देखकर कुछ नहीं बोलता, उसके बार बार पूछने पर भी वो शांत खड़ा रहता है, जिस पर मालती उसका हाथ कसकर पकड़ती है और फिर कहती है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बोलिए ना। मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर सुनील उठ जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान ये कैसी बीवी मिली है मुझे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठा देता है और फिर बोलता है, मालती उठो तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो। मालती के कानों में ये आवाज जाते ही वो जल्दी से उठ बैठती है और फिर बोलती है, क्या ये सब एक सपना था? हाँ यार
गहनों के सपने थोड़ा कम देखा करो। आप मुझे गहने लाकर दे दो, मैं सपने देखना कम कर दूंगी। यार देखो, मेरा अभी तुमसे ना बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास पुष्पा के साथ बाहर मार्केट में जाती है, जहां वो काफी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल गहने देखती है, जिन्हें देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ना गहने लेने हैं। बहू तुझे पता है ना घर की हालत, फिर भी तुझे ये गहने लेने हैं? अरे माँ जी, मैं कौन सा आपसे सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए आर्टिफिशियल गहने, अरे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। माँ जी प्लीज दिला दीजिए ना, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ, आखिर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। पुष्पा अपनी बहू के साथ उस शॉप पर जाकर उसको कुछ आर्टिफिशियल गहने दिलवा देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक करके पहन कर देखती है। साथ ही खुद से बोलती है, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो श्रृंगार तो पूरा ही नहीं होता। पर अब ये बात मेरे पति और सास को कौन समझाए। मालती अपने गहनों को पहनकर तैयार हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और उसके पास इतने सारे गहने देखकर उससे बोलता है, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने मुझे माँ जी ने दिलाए हैं। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहने हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मैं क्यों मजाक करूँगी, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना, आखिर तुम्हारा गहनों का शौक पूरा जो हो गया। हाँ हाँ खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने आर्टिफिशियल ही होते हैं, इसीलिए मुझे इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड की रिंग चाहिए। याद रखना, इस बार मैं आपके कोई बहाने नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर वो हार और इयररिंग्स पहनकर बाकी सारे गहने अलमारी में रख देती है और खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। लेकिन सुनील उसकी बातें सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी को सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया, पर ये बात इस कम बुद्धि वाली को कौन समझाए, क्या करूं? सुनील अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसको मालती के आर्टिफिशियल गहनों की याद आती है, तो वो खुद से बोलता है, आइडिया, क्यों ना मैं मालती को नकली गहने दे दूं? गहनों को देख तो वह बहुत खुश हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो उसको गहने दिए वो नकली हैं। सुनील जल्दी से पास के ही सुनार के पास जाता है और वहाँ से नकली गहने बनवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी एनिवर्सरी आ जाती है, जिसमें वो मालती को सोने का हार और एक डायमंड की रिंग देता है, जिसे देखकर मालती बोलती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, आपने सच में मुझे सोने का हार और डायमंड की रिंग दी है? हाँ मेरी जान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मालती उस हार और अंगूठी को पहनकर अपनी सास के पास जाती है, साथ ही उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी सास से बोलती है, ये देखिए माँ जी सोने का हार, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं असली हार है असली, और ये रिंग भी डायमंड की है, सुनील जी ने दी है। पर वो इतने महंगे गहने लाया कहाँ से? कहाँ से लाएंगे माँ जी, ज्वेलरी शॉप से और कहाँ। खैर परसों की पार्टी में यही पहन के जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये गहने मुझे मेरे पति ने दिए हैं। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है और पुष्पा अपने बेटे के पास जाकर उससे इन गहनों के बारे में पूछती है, लेकिन सुनील उसे कोई जवाब नहीं देता, तो पुष्पा खुद से बोलती है, बेटा तू तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपनी माँ को नहीं, मैं पता लगा कर ही रहूँगी, आखिर ये गहने कहाँ से लेकर आया है तू। ऐसे ही एक दिन मालती पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने गहनों का बहुत शो ऑफ करती है। पार्टी खत्म होने के कुछ ही देर के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अपने गहनों को निकाल कर वो तिजोरी में संभाल कर रख देती है और खुद सोने चली जाती है। अगले दिन तिजोरी में अपने गहनों को ना देखकर वो रोते हुए अपने पति और अपनी सास से बोलती है, मेरे गहने कहाँ गए,
मैंने कल रात तिजोरी में ही रखे थे। अरे अगर तूने गहने तिजोरी में रखे थे तो कहाँ गए वहाँ से? बेटा तू एक काम कर, चोरी की रिपोर्ट लिखवा दे। माँ, माँ रिपोर्ट किस चीज की? अरे घर में से बहू के गहने चोरी हो गए और तू बोल रहा है किस चीज की रिपोर्ट लिखवाऊं? जो करना है करो, बस मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मुझे असली गहने मिले थे। मालती अपने गहनों के लिए रोने लगती है तो वहीं पुष्पा रिपोर्ट लिखवाने के लिए सुनील को फोर्स करती है। ऐसे में सुनील बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कहता है, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब नकली गहनों के लिए क्या मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? नकली गहने? हाँ बहू, जिन गहनों का तू दिखावा कर रही थी ना, वो गहने असल में नकली हैं। और ये तेरे गहने, इनको मैंने अपने पास रख लिया था ताकि तेरे सामने सच आ सके। आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता, तुम हर समय गहने गहने करती हो, यहाँ तक कि सपनों में भी गहने को ही देखती हो। अरे यार, नहीं है मेरी इतनी इनकम कि मैं तुम्हें असली के गहने लाकर दे सकूं। बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया है मैंने, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी सुनील जी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कोई भी दिखावा नहीं करूँगी और मेरे पास जो है जितना है उसी में खुश रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुझे बात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ सुनील, आज के बाद अगर बहू से कोई भी झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ये सब देखकर उसकी नजरों में अपने पति के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनील अपनी सैलरी में से कुछ पैसों को जोड़कर मालती के लिए एक असली हार लाकर उसे देता है। साथ ही वो लोग एक साथ खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।